गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम है आपके अपने चैनल फन विद मैथ में। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम ट्रायंगल्स के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस कुछ बेसिक्स जो हमें पता होने चाहिए वो मैं आपको आज की वीडियो में करवाने जा रहा हूँ। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रायंगल्स के बारे में। तो सबसे पहले जो ट्रायंगल होता है वो होता क्या है, ट्रायंगल की तीन साइड्स होती हैं और वो क्या होता है, क्लोज्ड। क्या है ये, थ्री साइड्स हो और क्या हो, क्लोज्ड, बंद हो, ठीक है। तो वो क्या होगा, ट्रायंगल। क्या होगा वो, ट्रायंगल। जैसे कि आपके सामने मैंने बनाया है, क्या ये ट्रायंगल हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये बंद नहीं है, क्लोज नहीं है। तो ट्रायंगल की डेफिनेशन तो आपको इजीली समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ेंगे जो ट्रायंगल्स हैं वो होते कितने टाइप के हैं, ट्रायंगल्स कितने टाइप के होते हैं। तो देखो, सबसे पहले टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। पहला ट्रायंगल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जो है इक्विलेटरल। क्या है वो, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। सारी साइड्स क्या हो, बराबर हो। जैसे एक ही एंगल है, ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये साइड 3 है, ये साइड भी 3 है और ये साइड भी 3 है। तो जिसमें तीनों साइड्स बराबर हो वो क्या होगा, इक्विलेटरल। इक्वल मतलब बराबर, ठीक है। सेकंड हमारा आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसमें टू साइड्स आर इक्वल। देखो बच्चों, दो साइड जिसमें बराबर होगी वो क्या होगा हमारा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। जैसे कि एक ट्रायंगल ये लिया हमने, बनाया, इसमें ये 3 है और ये 3 है, ये कुछ भी हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, मतलब दो साइड्स हमारी बराबर होंगी, तीसरी तो कुछ भी हो वो क्या होगा, आइसोसेलेस। पर इसमें एक और बात जो याद करने वाली होगी वो क्या होगी, कि इसके द्वारा जो यहां पर एंगल्स होते हैं, जो दो साइड्स इक्वल होती हैं, उन दो साइड्स के जो एंगल्स होते हैं उनको भी बराबर माना जाता है, ठीक है। तो जैसे ये एंगल 1, ये एंगल 2, तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी क्या होता है, तीनों हमारे एंगल्स, जैसे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर और एंगल 2 एंगल 3 के बराबर, मतलब सारे जो इसमें एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, बराबर। किसमें, इक्विलेटरल में। और आइसोसेलेस में दो एंगल बराबर होंगे, जो दो साइड्स बराबर होंगी, ठीक है, आपको समझ में आएगा। तीसरे पे चलते हैं, स्केलन ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल होता है, ये वो ट्रायंगल होता है जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, वो वाले ट्रायंगल जिसमें कोई भी साइड बराबर नहीं। जैसे एक 2, 3, 4, ठीक है, तो 2, 3, 4 हमारे जो है वो अनइक्वल नंबर्स हैं। तो बच्चों अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के बारे में। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में कि ट्रायंगल की विशेषता क्या होती है। सबसे पहले कोई भी हमारा जो ट्रायंगल होता है, ठीक है, ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, इसको हम सीधी कर देंगे, ठीक है। अब प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में सबसे पहले क्या है कि इसकी क्या होगी, तीन साइड्स होनी चाहिए और तीन एंगल्स भी होने चाहिए, ठीक है। ये तो हमारी बेसिक सी वो है कि तीन साइड हो और तीन एंगल हो। कौन कौन से, ये वाला और ये वाला, इसको नाम देते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ओके, बहुत इजी थी। सेकंड, सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री। इसका मतलब क्या कि इन तीनों कोणों का योग, इन तीनों एंगल्स का सम, तीनों को जोड़ेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो वो किसके बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के। तो ये क्या है इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, अब देखिए, एक जो ट्रायंगल होता है, एक ट्रायंगल तभी बनेगा जब दो साइड्स का सम तीसरी साइड से क्या होगा, बड़ा होगा। तो सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड,
इसका अब हम बताता हूँ मैं आपको कि थर्ड साइड से कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लो एक ये ट्रायंगल है जिसमें ये टू, ये थ्री, ये फोर, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक ट्रायंगल। अब इसमें देखो दो साइडों को प्लस करेंगे, ये टू है, ये थ्री है, टू और थ्री को प्लस करेंगे क्या आएगा, फाइव। क्या फाइव फोर से बड़ा है, क्यों नहीं है, ठीक है। तो टू और थ्री को प्लस करेंगे फाइव, फाइव जो है फोर से बड़ा है, हाँ है। अब ऐसे ही टू और फोर को प्लस करेंगे क्या आएगा, सिक्स। क्या सिक्स थ्री से बड़ा है, ऑब्वियस है। ऐसे ही थ्री और फोर को प्लस करेंगे कितना है, सेवन। क्या सेवन टू से बड़ा है, हाँ जी है। तो ये हमारा ट्रायंगल जो है वो बनाया जा सकता है। ऐसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ जिसमें मैं लेता हूँ थ्री टू नाइन, क्या ये ट्रायंगल बन सकता है, देखते चेक करते कैसे। इन दोनों को प्लस करूँ, थ्री और नाइन कितने होंगे, ट्वेल्व। क्या ट्वेल्व बड़ा है टू से, हाँ बड़ा कौन है, ट्वेल्व बड़ा कौन है, 12। तो ये हमारा इन दोनों को प्लस करेंगे तो 12 जो है वो बड़ा है, तो ये क्या बन सकता है, ट्रायंगल बन सकता है। अब इन दोनों को प्लस करो, 9 प्लस 2 कितने होते हैं, 11। क्या 11 बड़ा है 3 से, है। तो ये भी ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इन दोनों को प्लस करो, 3 प्लस 5, क्या 5 बड़ा है किससे, 9 से, नहीं। तो ये हमारी जो प्रॉपर्टी थी उसको क्या कर दिया, इसने डिनाई कर दिया, ठीक है। 5 और 9, देखिए 5 और 9 में से बड़ा कौन है, 9, और 9 तो क्या है, इसकी एक साइड, एक साइड है। जो हमारी साइड होती है वो हमेशा छोटी होनी चाहिए दूसरी दो साइडों के सम से, ठीक है। अगर हम दूसरी दो साइडों को प्लस करें तो वो हमेशा क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए तीसरी साइड से। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो है ट्रायंगल वो बनाया जा सकता है कॉपी में, अगर आप स्केल से, स्केल की हेल्प से अगर ये ट्रायंगल बनाओगे बन जाएगा, पर ये नहीं बन पाएगा। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो ये 9 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर कहाँ तक होगा, यहाँ तक, और 2 सेंटीमीटर कहाँ तक होगा, यहाँ तक। तो क्या ये मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे, तो ये हमारा ट्रायंगल नहीं है। तो ये बहुत जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो बहुत सारे क्वेश्चनों में यूज होती है, आपकी बुक में भी मिलेगी, तो इसको ध्यान से समझ जाना, ठीक है। अब उसके बाद चलते हम फोर्थ पे। फोर्थ पे क्या है कि एंगल, जैसे इस ट्रायंगल में एंगल 1 और एंगल 3, क्या एंगल 1 प्लस एंगल 3 इन दोनों को प्लस करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, बाहर वाले एंगल के, इसको मान लेते हैं एंगल 4, ठीक है। अब बाहर वाले एंगल्स को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। बाहर वाले एंगल्स को बोलते हैं एक्सटीरियर, जो बाहर है। तो एक्सटीरियर एंगल 4 जो है, इन दोनों को मैं प्लस करूंगा, 4 के सामने वाले इन दोनों को प्लस करूंगा तो वो किसके बराबर होंगे, एंगल 4 के। ये हमारी इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है, फिफ्थ में आपको मैं बताना चाहता हूँ जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है। मान लो एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये जो ट्रायंगल, ये जो मैंने ट्रायंगल बनाया है, इसमें ये एंगल है 120 डिग्री का और ये है 40, और ये कितना होगा 40, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, 120। तो 120 के सामने वाली जो साइड होगी, मतलब ये देखो 120 एंगल है, उसके एंगल के सामने, बिल्कुल सामने 120 एंगल है, 120 एंगल के सबसे सामने वाली जो साइड है जिसको नाम देते हैं ए बी, तो ए बी जो है वो ग्रेटेस्ट साइड होगी, क्या होगी, ग्रेटेस्ट साइड एवर। क्यों, क्योंकि इसके जो एकदम सामने जो एंगल है वो सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़े एंगल का, सबसे बड़े एंगल की सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, हमेशा बड़ी होती है। तो ये हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी थी जो कि ट्रायंगल में आपको बहुत हेल्प करने वाली। बच्चों अब हम पढ़ेंगे कि कैसे जो ट्रायंगल होता है वो एंगल्स के अकॉर्डिंग भी डिवाइड होता है, मतलब एंगल्स के अकॉर्डिंग भी हम ट्रायंगल को नाम देते हैं। जैसे पहला ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, यहाँ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब मैंने आपको
जो मेरी एंगल वाली वीडियो थी लाइंस एंड एंगल, उसमें मैंने बताया था ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है, जो 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो। एंगल 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो। ठीक है, तो अगर हमारा कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, तो वो ट्रायंगल को क्या बोलेंगे हम, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ठीक है, दूसरा होता है एक्यूट, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है, जो 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा। मतलब इसके जितने भी हमारे वो होंगे एंगल्स होंगे 90 डिग्री से छोटे होंगे, जैसे ये 30, ये 60, 90 हो जाएगा, इसको हम काट देंगे क्योंकि अगर हम 30 और 60 लेंगे तो 90 और 90 हो जाएगा। यहाँ पे लेते हैं 70, ठीक है, 70 डिग्री, और यहाँ पे ले लेते हैं 80 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर जितने भी हमारे ट्रायंगल्स हैं वो क्या हैं, 90 डिग्री से कम, और ये जो ट्रायंगल है उसको नाम देंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, थर्ड हमारा आता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल होता है, जो ट्रायंगल में 90 डिग्री का क्या बन रहा हो, एंगल बन रहा हो। तो 90 डिग्री के जहां पर एंगल बनता है वो क्या होता है हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे कि मैंने आपको बना के दिखाया है। तो बच्चों जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसके अंदर हमने साइड्स के कुछ नाम रखे हुए हैं, जो है परपेंडिकुलर, ये क्या है, परपेंडिकुलर, और जो नीचे होता है उसको बोलते हैं बेस, नीचे वाले को बेस, और जो सबसे लंबी हाइट होती है, जिसकी लेंथ होती है, उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो हमेशा जो हमारी हाइपोटेनस है वो हमेशा इक्वल होगी किसके, परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर, ये हमेशा हमारी क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर याद रखें। बच्चों अब हम पढ़ेंगे सिमिलर ट्रायंगल के बारे में, क्या होता है सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल की सबसे जो पहचान की तरीका है वो क्या है, वो ये कि सिमिलर ट्रायंगल की शेप जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है, पर इसका जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, प्रोपोर्शनली अलग होती हैं। जैसे कि अगर मैं दो ट्रायंगल्स बनाऊँ, दो ट्रायंगल्स बनाएं, इन दोनों ट्रायंगल्स में एक छोटा बना लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इनकी क्या होती है, शेप अलग होती है, साइज अलग होता है, पर जो साइड्स हैं, जैसे अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो इसका परपेंडिकुलर जो होगा वो 2 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है, अभी मैं बताता हूँ आपको। ये 2 सेंटीमीटर है तो ये होगा 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। अब देखिए इनका मैं अगर प्रोपोर्शनल निकालूं, प्रोपोर्शनल यानी इनकी परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर से डिवाइड करूं, तो 1/2, और बेस को बेस से डिवाइड करूं 2/4, जो कि हमारा टेबल से जा रहा है 2 1 2 2 2 4, 1/2 इसका भी क्या आंसर आया। थर्ड हमारा क्या है, हाइपोटेनस, इसकी हाइपोटेनस क्या है, 3, और दूसरे वाले ट्रायंगल की हाइपोटेनस क्या है, 6, तो 3/6, ठीक है, 3/6, 3 के टेबल में जाते हैं, 3 2 6, तो इसका भी आंसर क्या है, 1/2। तो जो हमारे साइड्स हैं उन सभी साइड्स को डिवाइड करने पर हमने क्या पाया कि इनका जो रेशियो है या प्रोपोर्शनल है वो बराबर है। देखो 1/2 1/2 1/2, तो ये क्या होता है हमारा, सिमिलर ट्रायंगल, क्या होता है हमारा, सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, समझ में आओगा आपको कि एक साइड दूसरी साइड, जैसे इसकी परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर को डिवाइड करेंगे, इसके बेस को इसके बेस से डिवाइड करेंगे, और इसके हाइपोटेनस को इसके हाइपोटेनस से डिवाइड करेंगे, अगर सबका वैल्यू जो है सेम आ रही है तो वो हमारा क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, पर हर एक क्वेश्चन में आपको सिमिलर ट्रायंगल की जो वैल्यूज है वो दी नहीं होंगी, क्योंकि ट्रायंगल्स में आपको प्रूव करने के क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए कुछ सिमिलरिटी के रूल्स बनाए गए हैं। तो सिमिलरिटी जो रूल्स हैं वो कौन कौन से हैं वो पढ़ते हैं। देखो पहला है साइड। अब ये रूल कैसे हम अप्लाई करेंगे, जैसे हमें दो ट्रायंगल्स दिए होंगे, अगर इसकी एक साइड इसकी एक साइड के बराबर हो, फिर ये साइड के बराबर हो, और ये जो हाइपोटेनस है वो हाइपोटेनस के बराबर हो,
तो ये ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर। ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर। और सिमिलर का साइन जो हम कैसे लिखेंगे, मान लो ये ए बी सी है और ये पी क्यू आर है, तो लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, हम सिमिलैरिटी को ऐसे शो करेंगे जब साइड्स जो हों वो बराबर हों। ऐसे ही दूसरा जो है हमारा रूल है साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड कैसे हम करेंगे, ये फर्स्ट था, अब सेकंड। मान लो ये ए बी सी ही है और एक और ट्रायंगल है जो हमारा है पी क्यू आर। अब इसमें क्या है, साइड एंगल साइड, तो इसकी एक साइड इस साइड के बराबर हो, एक बीच वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो और एक दूसरी साइड इसके बराबर हो। तो जब भी ये हमारा वो चलेगा ना सीक्वेंस कि एक साइड फिर बीच में एंगल फिर दूसरी साइड, ऐसे जब भी होगा वो क्या रूल होगा साइड एंगल साइड का, वो क्या होगा साइड एंगल साइड का। जैसे ये तो था बाय साइड साइड साइड, और जो हमारा ये वाला है ए बी सी जो सिमिलर है किसके, पी क्यू आर के, वो कैसे है बाय कौन सा रूल पढ़ रहे हैं हम, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ठीक है, तो कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन भी हो जाती है कैसे, कि मान लो ये साइड इस साइड के बराबर है और एक एंगल ये इसके बराबर है, ये वाला एंगल, ये एंगल कईयों में बराबर होते हैं। ठीक है, और फिर तीसरी साइड जो होती है वो ये बराबर होती है, तो ये साइड एंगल साइड नहीं होता। ठीक है, तो इसको आपने साइड एंगल साइड नहीं करना है। जो हमारा साइड एंगल साइड क्या होगा कि एक साइड फिर बीच में एंगल फिर साइड, एक साइड बीच में एंगल और फिर साइड। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, अगर ये गलत हुआ तो आपका सिमिलैरिटी वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर हम अब हम थर्ड पे चलते हैं, एंगल 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 एंगल। ठीक है, गाना बन गया एंगल एंगल एंगल। देखो ये क्या है, हमारे दो ट्रायंगल हैं वही क्या ए बी सी और ये पी क्यू आर। तो देखो ए पी के बराबर है, एंगल ए एंगल बी के बराबर है, एंगल बी एंगल आर के बराबर है, एंगल सी एंगल क्यू के बराबर है। तो जब दोनों जो हमारे ट्रायंगल्स के एंगल्स क्या हों, बराबर हों, तो वो कौन से सिमिलैरिटी से हो जाएंगे प्रूफ, बाय एंगल एंगल एंगल। ठीक है, तो ये बहुत इजी है क्योंकि इसमें क्या है सिर्फ एंगल एंगल्स के बारे में बताना है। तो तीनों एंगल्स जब बराबर हों दोनों ही ट्रायंगल्स के, तो वो क्या होगा एंगल एंगल एंगल। नाउ लेट्स अब हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में, क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वो ट्रायंगल्स होते हैं जो ट्रायंगल्स बराबर हों, एकदम बराबर हों, कि अगर एक ट्रायंगल्स के ऊपर एक ट्रायंगल के ऊपर दूसरा ट्रायंगल रख दें तो दोनों ही कवर हो जाए, दोनों ही कवर हो जाए, दिखे ही ना, एकदम सेम। ठीक है, जैसे ये हमारे ट्रायंगल्स हैं, इसकी साइड 2 इसकी भी 2, ठीक है, और इसकी साइड 3 सेंटीमीटर इसकी भी 3 सेंटीमीटर, इसकी 4 सेंटीमीटर इसकी भी 4 सेंटीमीटर, दोनों ही बराबर हैं, एकदम बराबर हैं, जैसे मर्जी करें ये बराबर ही रहने वाले हैं। और ये दोनों क्या हैं, आपस में अगर इन दोनों को हम मिलाएं तो एक दूसरे को एकदम पूरे रूप से क्या कर देंगे, ढक दें। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इनकी भी कुछ सिमिलैरिटीज रूल होते हैं, वो भी पढ़ने जरूरी है। तो सबसे पहले जो हमारा रूल है वो क्या है, एस ए एस एस एस, साइड साइड साइड। तो बाय साइड 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 कैसे, अभी मैंने आपको बताया था दो ट्रायंगल्स की जब तीनों साइड्स बराबर हों, क्या हों तीनों साइड्स बराबर हों, तो वो क्या हो जाएगा साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट। तो लिखेंगे कैसे, वही इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और इसको पी क्यू आर। अब ए ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट का साइन ये होता है और पी क्यू आर के क्या होगा कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, बहुत आसान था ये। सेकंड हमारा जो है वो क्या है, एस बाय साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड में क्या होगा, पहले साइड दूसरी साइड के इक्वल, फिर एंगल फिर साइड फिर साइड। ठीक है, ये अभी मैंने आपको सिमिलैरिटी वाले में भी बताया था, इसमें भी क्या है ये सेम है। थर्ड क्या होता है, एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल में क्या होगा, वही दो ट्रायंगल्स होंगे, पहले हमारा एंगल बराबर होगा, फिर हमारी साइड बराबर होगी और फिर हमारा एंगल बराबर होगा। और इसमें ये ध्यान रखना कि ये तीनों एक ही लाइन में होंगे, वो चाहे ऐसे हों या ऐसे हों और या फिर इस लाइन पे हो, थर्ड वाली लाइन पे।
ये तीनों स्ट्रेट लाइन में ही इक्वल होंगे। अब फोर्थ जो है हमारा वो क्या है, वो है आर एच एस बाय राइट हाइपोटेनस साइड। इसमें क्या होता है, दो ट्रायंगल होते हैं जो दोनों ही क्या होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, 90 डिग्री के हमारे दो एंगल्स बराबर होते हैं और एक हाइपोटेनस इनकी बराबर होनी चाहिए और दूसरी कोई भी साइड बराबर होनी चाहिए, या ये वाली परपेंडिकुलर या फिर बेस। तो ऐसे जो हमारे ट्रायंगल्स होंगे वो कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट प्रूव होंगे, राइट हाइपोटेनस साइड से। ठीक है, तो होप आपको ये सारा वीडियो समझ में आओगा। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, और देखने के लिए धन्यवाद आपको।